तो लग रहा है कि बेचारे बहुत अकेले पड़ गए हैं लेकिन लगता है आजकल किचन कैबिनेट उनका लगता है कि टूट गया है या उनके खिलाफ चल रहा है या उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते इस बात उन्होंने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया और उनका एक चेहरा बड़ी आसानी से सामने आ गया बिना किसी परिश्रम के लोगों के वो है कि वो कितने महिला विरोधी और कितने दलित विरोधी व्यक्ति हैं अमी है ही पार्टी थोड़ी है जेडीयू जेडीयू तो एक क्या कहते हैं उसको सब जो बनाता है सब माफिया सब गैंग है इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर जिस प्रकार से कहा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से कि हमने मुख्यमंत्री बनाया तुम्हें और तुम तलाक की भाषा का इस्तेमाल किया गया जिसके बाद अब कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस बात को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ सचिदानंद राय एमएलसी जो है उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो इन मुद्दों को कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा और अब देश के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर जो है वो जनता के बीच में कह रहे हैं देखिए प्रधानमंत्री जी तो कहेंगे ही अगर कोई गलत बात आएगी और जिस तरह से हमारे बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह की टिप्पणियाँ की इन दिनों विधानसभा विधान परिषद में दो तीन बातें समझ में आती हैं एक तो लग रहा है कि बेचारे बहुत अकेले पड़ गए हैं भले उनके पास में एक बहुत अच्छी किच, किचन कैबिनेट हुआ करती थी और इसलिए उनको बहुत कुछ बोलना नहीं पड़ता था जब बोलते थे तो बहुत सदा हुआ बोलते थे लेकिन लगता है आजकल किचन कैबिनेट उनका लगता है कि टूट गया है या उनके खिलाफ चल रहा है या उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते इसलिए सारी बातें वो स्वयं सोचते हैं और स्वयं बोलते हैं और जब ये होने लगा तो थी उम्र का भी असर है कुछ सोचता है कुछ नशा वशा भी उनको दिया जा रहा हो या स्वयं से ले रहे होंकि ऐसा ही प्रतीत होता है कि जिस नीतीश कुमार को लोग जानते थे वैसा नीतीश कुमार है नहीं पिछले कुछ महीनों से या कई एक आध वर्षों से उनकी जवान बहुत फिसलने लगी है बहुत भूलने लगे हैं और इस बार तो उन्होंने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया और उनका एक चेहरा बड़ी आसानी से सामने आ गया बिना किसी परिश्रम के लोगों के वो है कि वो कितने महिला विरोधी और कितने दलित विरोधी व्यक्ति हैं अंदर उनके कितना महिलाओं के प्रति सम्मान है या असम्मान है और दलितों को कितनी घृणा करते हैं ये इस बात लेकिन स्वयं ही उन्होंने परिचय देना वो तो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं बिहार में आरक्षण दिए हैं साइकिल बहुत तरह की बात बोलते हैं उन्होंने जो किया है एहसान तो नहीं किया है करना चाहिए था उन्होंने किया और उसके लिए उनको बीस साल से राज भी कर रहे हैं महिलाओं ने उनको दिया लेकिन आज जब आवरण हटा आज जब वो थोड़ा अकेले पड़े खुल गया कले उतर गया अंदर का चीज़ बाहर दिखाई देने लगा और जबान नहीं फिसली है भाई दबाई ये कोई नहीं करता कि जबान फिसल गई यदि किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा अच्छा मांग लेता हूँ ऐसी बात नहीं थी उन्होंने बकायदे ज्ञान दिया और पीठ थपथपाई अपने कि देखिए हमने क्या किया लड़कियों को पढ़ा दिया लड़कियों को क्या क्या सिखा दिया शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को भी शर्मानी चाहिए और जहां उन्होंने कहा उसे तो पूरा बिहार ही शर्मसार हुआ लोकतंत्र का मंदिर है विधानमंडल और दोनों सभाओं में उन्होंने विधानसभा विधान, विधान परिषद दोनों में एक ही बात को बोल के विधान परिषद में तो थोड़ा और भी क्रूड कहेंगे थोड़ा और भी गंदे तरीके से जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने परोसा आज के तुरंत दूसरे दिन जो है वो दलित विरोधी अपना चेहरा दिखा दिए माझी जी उनसे उनमें बड़े हैं मुख्यमंत्री रहे हैं सर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री दलितों के हितैषी हैं क्या आपको ऐसा लगता है किसी समाज को किसी हितैषी की जरूरत नहीं है आप लोकतंत्र में हैं आपको लोगों ने वोट दिया है वहाँ भेजा है आपको सबके लिए काम करना है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास की बात जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर वो उसको वॉक द टॉक करेंगे तो दलित दलित उनको एहसान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दलित हमारे वैसे भी सबसे पिछड़े सबसे गरीब वर्ग हैं उनका पहला हक हाँ होता है देश के और प्रदेश के संसाधन पर ये मुख्यमंत्री जी को भूलना चाहिए न प्रधानमंत्री जी को भूलना चाहिए तो गवर्नर बनाने की बात कर रहे थे नीतीश कुमार लगता है प्रधानमंत्री गवर्नर बनाएंगे जीतन राम मांझी को जीतन राम मांझी स्वयं गवर्नर बनना नहीं चाहते जब रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते वो जनता के बीच रहना चाहते हैं जनता का भला करना चाहते हैं अपने गरीब दलित महादलित भाइयों के लिए विशेष रूप से आवाज़ रखना चाहते हैं तो रामविलास पासवान जी थे वो बात रखते थे उनकी पासवान जी की अनुपस्थिति में जीतन राम मांझी जी भी अगर गवर्नर बन जाएंगे तो दलितों के पास में तो कोई वॉइस नहीं रह जाएगा आपको लगता है कि जीतन राम मांझी वॉइस हैं बिल्कुल है, है वॉइस है, है ही और लोग कह रहे हैं कि न, उन्होंने अपने पार्टी में अपने परिवार के अलावा किसको टिकट दिया किसने दिया है परिवार के अलावा कोई और ये ये कौन किसको सूप सुप हंसे तो हंसे चलनी नहीं हंसे चला है कौन हंसेगा लालू जी हंसेंगे राबड़ी जी हंसेंगे तेजस्वी जी तेश्वी तेश्वी प्रताप जी मिसा जी ये लोग हंसेंगे जेडीयू के लोग कह रहे हैं जेडीयू है ही पार्टी थोड़ी है जेडीयू जे तो एक क्या कहते हैं उस वक्त ये सब जो बनाता है सब माफियावा सब गैंग है जे डी यूज ए गैंग जे डी यू इज नॉट अ पोलिटिकल पार्टी और न, 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 ये मुख्यमंत्री इसलिए रह गए कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जिम्मेवारी लेना नहीं चाहा लोग वोट करते थे एनडीए को भारतीय जनता पार्टी के नाम पर और वो फ्रेंचाइजी दे देते थे आउटसोर्स कर देते थे नीतीश कुमार को या जे को जे को थोड़े लोग वोट किए थे कभी भी आज जे कब से राज पोलिटिकल पार्टी बन गया एक तानाशाह आदमी ने एक ऐसा दल बनाया जिसको हम तो गैंग के रूप में जानते हैं चलिए बिल्कुल तो ये जे को पार्टी मानते ही नहीं है वो एक गैंग है अब देखना है कि आने वाले वक्त में इसको लेकर और कितनी सियासत होती है जीतन राम मांझी जो है वो अब धरना प्रदर्शन भी करेंगे अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस लड़ाई में कूद गए हैं